आज शाम क्वाड देशों की बैठक में किन मुद्दों पर होगी बात? क्वाड बैठक से पहले क्यों मची है चीन में खलबली? और पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने सेना और आईएसआई पर क्या आरोप लगाए हैं? चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश में। आज शाम को भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं के क्वाड ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन हिस्सा लेंगे और चीन के खिलाफ नई रणनीति बनाएंगे। अमेरिका बैठक में उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न का मुद्दा उठा सकता है। आज होने वाली क्वाड समूह की बैठक से पहले ही चीन में खलबली देखी जा रही है। चीन ने शांति का राग अलापते हुए कहा है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का ध्यान रखा जाए। चीन को यह भी लगता है कि क्वाड समुद्र में चीन के आसपास अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है, जिसके भविष्य में उसे टारगेट किया जा सकता है। आज होने वाली क्वाड की बैठक से पहले ऑस्ट्रेलिया में जापान के राजदूत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन से निपटने में जापान ऑस्ट्रेलिया का पूरा साथ देगा। जापान के राजदूत यामागामी शिंगो के मुताबिक, कैनबेरा तेजी से आक्रामक चीन से निपटने में अकेले नहीं चल रहा है, हम उसके साथ हैं। एलएसी पर चीन से चल रही तानाथानी के बीच राइफल फाइटर जेट्स की दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात की जाएगी। चीन भूटान ट्राई जंक्शन के बेहद करीब हाशिमारा मेन ऑपरेटिंग बेस अप्रैल में बनकर तैयार हो जाएगा और माना जा रहा है कि फ्रांस से अगली रफेल लड़ाकू विमानों की खेप हाशिमारा में ही तैनात की जाएगी। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान इन्फेंट्री बटालियन के हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। दोनों सेनाएं आतंकवादी अभियानों को लेकर अपनी विशेषज्ञता को एक दूसरे से साझा कर रही हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम डस्टलिक 2 रखा गया है। पाकिस्तान के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने सेना और आईएसआई पर आरोप लगाया है। नवाज ने 2018 में सेना की मिलीभगत से चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, जबकि अब्बासी ने कहा है कि आईएसआई बेशर्मी के साथ इमरान के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक वीडियो संदेश जारी कर सेना प्रमुख बाजवा पर बड़ा आरोप लगाया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि बाजवा समेत सेना के टॉप अधिकारी मेरी बेटी मरियम नवाज को धमकी दे रहे हैं और सीनेट अध्यक्ष और चुनाव में पीडीएम के उम्मीदवारों को वोट नहीं देने के लिए कहा जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूएई ने पाकिस्तान को कर्ज के रूप में दिए अपने $1 बिलियन वापस मांगे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने $1 बिलियन को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा किया था। पाकिस्तान को कर्ज लौटाने की डेडलाइन आज ही है। चीन की भारत के खिलाफ एक और साजिश सामने आई है। चीन की संसद ने अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा के पास तिब्बत में यारलुंग जंगबो नदी पर एक बांध और जल विद्युत प्लांट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में इस परियोजना को मंजूरी दी गई।